ऐसी बात है तो मुझे माफ कीजिएगा, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज खरी राइस पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे खूब पेट भर के चावल खाएं, इसलिए मैं इस पैक के सारे चावल बना दूंगा। हाँ हाँ जैसा आप ठीक समझे। मुझे खरी पार्टी बहुत पसंद है कजामा। अभी तो खरी बनी शुरू भी नहीं हुई। जानते हो मुझे कल रात खरी पार्टी का सपना भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी। अरे वाह मुझे भी आया था। लगता है आज की खरी पार्टी में हम सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे अरे पहले मेरे सपने के बारे में तो सुनो। अच्छा बच्चों जैसा कि बताया था आप सब सब्जियां लेकर आए हैं ना? जी हाँ। अरे शिंचान ये क्या तुम तो चिप्स लेकर आए हो? मैं क्या करूँ क्या डाला भूल गया। अरे मसाओ तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मसाओ प्याज लाना भूल गया है। मसाओ तुम प्याज लाना कैसे भूल सकती हो? उसे ऐसा मत कहो शिंचान। फिर इसे क्या कहना चाहिए? परेशान मत हो मसाओ, मसाओ तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगी। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ये देखो ये प्याज लाना नहीं भूला दोस्तों। अब तुम थोड़ी से बड़ी आदमी बन जाओगी। हम आराम से करी राइस खा रहे थे और तभी वहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर आ गया। ऐसा लगता है कि हम सही जगह पहुँच गए। अरे यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है और ये लड़की तो सबसे अलग लग रही है। हम काफी दिनों से ऐसी ही लड़की को तो ढूंढ रहे थे। चलो चलकर इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मैं अक्सर खाने की चीजों के एड्स करती हूँ। वैसे मैं कुछ फिल्मों में भी कर रही हूँ। हाँ एक बात और, तुम्हारे सपने मुझे असली नहीं लगते ही। हाँ ये तो बिल्कुल नकली लगता है। तुम्हें पता नहीं टीवी रिपोर्टर कभी ऐसी जगह नहीं आते हैं। मैंने कहा तो था कि ये सपना है। अब सब मेरा सपना सुनो, कल करी पार्टी होने वाली है, मतलब मजा आएगा। जादुई पत्थर। लगता है उस पत्थर का नाम जादू था। एक ऐसा पत्थर जिसमें जादू है। तुम्हारा सपना तो बिल्कुल अलग है, लेकिन पता है ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। शायद तब तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए। अरे सच में ये तो जादुई पत्थर है। सच कह? अरे तुमने तो कहा था कि ये पत्थर तुम्हें नहीं मिला। दोस्तों ये करी राइस जैसा नहीं है, बल्कि ये आलू राइस जैसा है। हाँ आलू राइस भी चलेगा। ठीक है अब मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। सचमुच ऐसा कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहते हो शिंचान? मैं कर सकता हूँ का मतलब मैं कर सकता हूँ। मेरी इतनी भी तारीफ मत करे। मैं तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों, अब तक मेरे सपने सुनने गए। मैं जानता हूँ तुम्हारे सपने के बारे में। तुमने जरूर अपने सपने में किसी न किसी को तंग ही किया होगा। और क्या करोगे तुम? बिल्कुल गले चले। तो इसका मतलब तुमने कुछ और देखा? जी हाँ जैसे तुमने बोला उससे बिल्कुल अलग। मुंह खोलो शिंचान। मुझे करी खाने में बहुत मजा आया कदम। ऐसा नहीं है। सुनो बच्चों तो क्या सब बच्चे तैयार? ये एप्रन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। हाँ आप सही कह रही हैं। वैसे हम इन सब्जियों का क्या करें? तुम सभी अपनी अपनी सब्जियां लेकर ऑडिटोरियम में चलो। ठीक है मैम। चलो चले कुछ देर के लिए।
लिए अपनी उंगली मत हिलाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो क्या हो गया? बच्चों ध्यान से सुनो कि जिस हाथ से तुमने चाकू नहीं पकड़ा है उस हाथ से सब्जियों को पकड़ो और इस तरह आराम से दबाओ, ठीक है? हाँ। और ये काम तुम्हें पूरे ध्यान से करना है, ठीक है? मेरी उंगली में चोट लगी हुई है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अब क्या होगा? अब तुम स्कूल के अच्छे शख्स नहीं बन पाओगे। देखो देखो, मैंने सारी को बाहर की शेप में कर चाहिए, ये कितना सुंदर है ना? चाहिए कि बच्चे डर ना जाएं। अगर बच्चे डर जाएंगे तो
आपसे चेकअप क्यों करवाएंगे वो भला बताइए। हम बच्चों का इलाज इसलिए करते हैं कि बच्चों के दांतों का दर्द खत्म हो जाए, पर बच्चे डेंटिस्ट से डरते हैं। हम हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि रात में सोने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए, लेकिन बच्चे हमारी किसी भी बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कैविटी उनके दांतों पर हमला कर देती है। जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे हमारी बात को मानने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए मैं बच्चों के सामने ऐसी ड्रेस पहनकर आता हूँ। वैसे आपको पता है ये डॉक्टर बनने से पहले हीरो बनना चाहते थे। हाँ, इन्होंने सही कहा, पहले मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ओ अच्छा, शायद यही वजह है कि आपने ये अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। क्या कहा, अजीब कपड़े पहने हुए हैं? इलाज शुरू करें। चलो अपना मुंह खोलो। तो डैड आपका चेकअप हो गया, तो चॉकलेट चिप्स लेकर घर चलते हैं। मुझे आपसे चेकअप नहीं करवाना है। सुनिए डैड, ये मुझे एक रोबोट बदल देंगे और फिर मैं अलर्ट के अलावा और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा एक्शन का मीन के एपिसोड में हुआ था। क्या बोले जा रहे हो बेटा, बिल्कुल मत डरो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। ये कुछ ज्यादा ही डर गया है। कोई बात नहीं, देखना मैं इसका डर अभी दूर कर दूंगी। क्या सच में? शिनचान, अच्छे बच्चे चेकअप से नहीं डरते। डर नहीं रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ आप मुझसे पहले ही डैड का चेकअप करें। मेरा चेकअप? देखिए डैड, चेकअप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मुझे अभी चेकअप की जरूरत है। मुझे लगता है आपको शिनचान की बात मान लेनी चाहिए मिस्टर नोहारा। देखा तुमने, तुम्हारे डैड तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। मुझे पता है मेरे डैड बहुत बहादुर है। अब मैं तुम्हारे दांत चेक करता हूँ। चलो अब अपना मुंह खोलो। देखता हूँ किसी दांत में कोई ग्रेविटी तो नहीं है। अरे तो बाहर निकाल कर आगे बंद कर। मुझे मिर्ची दिखाई दे रही है। आंखें खोलो। चलो अब आंखें खोल लेता हूँ मैं। अरे डरो नहीं, ये तो मैं हूँ मिस्टर नोहारा। बेटा किसी के साथ भी अगर ऐसा करोगे तो वो जरूर डर जाएगा। सुनिए दीदी, क्या मैं यहाँ पर अपने पेट का चेकअप करा सकता हूँ? देखिए कहीं भूख तो नहीं लगी। नहीं, यहाँ पर पेट का चेकअप नहीं होता। शिनचान, चलो अपने डैड का हौसला बढ़ाओ। मुझे मेरा काम ढंग से करने दीजिए। अगर आप खेलेंगे तो मैं आपके दांतों का इलाज ढंग से कैसे कर पाऊंगा? सर देखिए डैड, एक्शन का मीन आपसे मिल गया। यही मैं कोई बच्चा हूँ क्या? आपके बेटे ने बताया कि आपको किताब पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे डैड पढ़ने में बहुत होशियार है। आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं मिस्टर नोहारा। लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मैं आपके दांतों का इलाज बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा। मैंने वो दांत ढूंढ लिया है जिसमें कैविटी लगी हुई है, और अब मैं उसे निकालने जा रहा हूँ मिस्टर नोहारा। नहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मुझे वहाँ पर डर नहीं लगा है? क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लगता है हैरी कोई सपना देख रही है। कहीं ये सपने में उस डेंटिस्ट को तो नहीं देख रही है? क्या कहा? मत करो ये, मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं, मुझे नहीं करवाना है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तबीयत चली गई। बाय बाय कंबल। सुनिए, यहाँ आकर आप अपनी जान बचाइए।
मॉम देखी सलमानी में और कमरे कैसी आएंगी। क्या मॉम आपको ही जादू करने वाली नहीं? तुम इसकी फिक्र मत करो शिनचैन, मैं अभी दिखाती हूँ। अब तुम देखना। कम्बल पतला हो गया। अब हम इस कम्बल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, ऐसा नहीं है, अब ये आसानी से अलमारी में आ जाएगा। इसे अलमारी में रखने से पहले तो कह दो, मेरी प्यारी कम्बल मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। काश तुम पहले जैसे ठीक हो पाते। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसे बस ऐसे खोलना है। देखा, ये तो फिर से पहले जैसा हो गया। आओ इसे साथ में करें। हाँ ठीक है। सबसे पहले कंबल को ठीक से बैग में रखना है। बहुत अच्छी, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। तुम्हारा शुक्रिया। अब हमें इसे ठीक से बंद करना है। इसके बाद इस पाइप को इसमें लगाना है और स्विच की स्विच ऑन। मैं बोलूंगा। ठीक है बोलो। स्विच ऑन। हाँ मैं तो थक ही गया। तुमने सिर्फ स्विच ऑन ही तो कहा है शिनचैन, लेकिन मैं पूरे वक्त आपका हौसला भी तो बढ़ा रहा था मॉम। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपको इतनी देर से काम करते हुए देख रहा था। इस काम में भी बहुत मेहनत लगती है मॉम। अच्छा अच्छा ठीक है। कमरा भी पूरी तरह से फ्लैट नहीं हुआ है, फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो ये अलमारी में नहीं आएगा। तुम देख रहे हो ना शिनचैन, मैं इसे कैसे कर रही हूँ। एक्शन कमी तो भी अच्छी तरह से देख लो। कमल तो कैसे तुम कर क्या रहे हो? एक्शन कमी से बात कर रहा हूँ। मेरी मदद नहीं करोगे? मैं स्विच ऑन बोलने आ जाऊंगा मॉम। क्या बस तुम मेरी इतनी ही मदद करोगे? हाँ एक और काम है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमको बस इस पर लेटना होगा। लेकिन मैं तो बहुत लेट कर देखो तो सही। ठीक है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? मैंने तुम्हें इस कंबल पर लेटने को कहा था। कंबल पर लेटना है। अब अपने हाथ पैर फैलाओ जैसे उड़ रहे हो। कैसी? हाँ उड़ने की एक्टिंग करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही करते रहना। शाबाश। मजा आ रहा है सच में। चलो अब देखते हैं कि ये पहले जैसा होता है कि नहीं। अरे तुमने क्या कर दिया, हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? अच्छा तो ठीक है मॉम, मैं एक पंछी हूँ, मैं उड़ता हूँ। इसने तो इसे खेल ही बना दिया है। चलो अब हमारा काम हो गया है। अब शिनचैन और हिमावारी के कंबल की बारी है। दरअसल बात ये है कि अरे क्या हुआ शिनचैन बेटा? तो तुम्हारा कंबल भी हो गया। बस अब तुम्हारे डैड का कंबल ही बाकी है। अरे नहीं, बारिश होने लगी है, बाहर कपड़े गीले हो जाएंगे। शिनचैन अपने खिलौनों को समेटो। ठीक है। Good job.
हाँ।